वो सुबह ट्रेन ने अभी अपनी आधी दूरी तय ही की थी कि अनायास उसके कई डिब्बे मलबे में तब्दील हुए। चारों ओर गहरा भूख अंधेरा था और अंधेरे के सन्नाटे को चीरती लोगों की चीखें सुनाई दे रही। घर वाले हैं तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। अभी तीन लोगों की न्यूज आई है बस कि वो घायल है और बाकी सबकी न्यूज नहीं आई। 11 8 लोग टोटल 9 लोग थे। तो उसमें से 3 की खबर आई है, 6 की खबर नहीं आई है। S1 में थे और एक का S11 में था तो उनको S1 में रात को शिफ्ट किया गया था ताकि सबके साथ में रहे। एजेड थे इसलिए। हाँ, हुए हैं, मासी हुई है, हॉस्पिटल में है। काका हुए हैं, था चोट लगे हुए हैं और थोड़ा बहुत किसी का चोट लगा हुआ है। जश्नदीदों के मुताबिक रात करीब 3 बजे अचानक बहुत तेज आवाज आई। बर्थ पर सो रहे मुसाफिरों की नींद इस आवाज से काफी है। ऐसा लगा जैसे जलजला है। अचानक बर्थ पर सो रहे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। हम आ रहे थे वहां से, हम 8 में थे और मम्मी पापा जो वो 5 में थे तो उनके पास आ रहे थे। रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल। सर में हल्की चोट लगी और फिर मम्मी पापा की आवाज आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा। और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए। तो पूरे डर खट 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 पूरे आवाज है, तुम लोग तो डर गए और खूब चिल्लाने लगे। ऐसा क्या होता देखा तुम्हें 5 मिनट बाद ट्रेन रुकी तो सब लोग उतरे उतर के दर्श दर भाग के आए। हमारे सीधे हाथ में भी चोट आ गई है, हाथ उठ नहीं रहा हमारा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्लीपर के एक कोच में उज्जैन से कुछ बच्ची अपने परिवार के साथ बैठी थी जो पूरे रास्ते हंसती खेलती रही, लेकिन वो मासूम बच्ची भी इस हादसे का शिकार हुई।